एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जल्द ही भारत में अपने मौखिक टैबलेट आधारित कोविड 19 वैक्सीन के दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। भारत कंपनी के वैश्विक परीक्षण का हिस्सा है, जिसे लगभग 96 प्रतिभागियों को खुराक देने के साथ पिछले साल अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कसौली में देश की शीर्ष दवा प्रयोगशाला केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला को वैक्सर्ट द्वारा निर्मित VXACOV एंट्रिक कोटेड टैबलेट के नमूने प्राप्त हुए हैं। इन गोलियों का आयात बेंगलुरु स्थित सिंजीन इंटरनेशनल द्वारा किया गया है, जो अनुबंध अनुसंधान फर्म है, जो अमेरिकी दवा निर्माता की ओर से भारत में परीक्षण करेगी। सूत्रों के अनुसार कोविड वैक्सीन गोली के नमूने परीक्षण के लिए प्राप्त हुए हैं और उसके बाद उन्हें भारतीय प्रतिभागियों की खुराक शुरू करने के लिए दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कसौली से नितिन साहू की रिपोर्ट।